गुड मॉर्निंग क्लास बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। आज उसके आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके आगे क्वेश्चन से 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, ठीक है। इस तरह से आउटस्टैंडिंग नंबर है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। हम लोग इसमें क्या कर रहे थे कि हम ये बता रहे थे कि भिन्न जो दी हुई है ये शांत है या अशांत है, ठीक है। किस रूप में दिया हुआ है, शांत में है या अशांत में है, और बिना डिवाइड किए, यानी हमें डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है, ठीक है। विदाउट यूजिंग डिवीजन मेथड हमें ये बताना है कि जो इस आपके फ्रैक्शन दिए हुए हैं ये किस टाइप के, ठीक है, टर्माइंडिंग है या नॉन टर्माइंडिंग, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा दिया हुआ है 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में दिया हुआ है तो वो भिन्न जो है यानी फ्रैक्शन जो है आपका वो आपका शांत होगा, इंटरमाइंडिंग फ्रैक्शन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसको ये इस रूप में दिया हुआ है कि 23/2 की पावर m × 5 की पावर n इसी फॉर्म में है कि नहीं बताइए। इसी फॉर्म में है वेयर m इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, जहां पे m इज इक्वल टू आपको 3 दिया हुआ है और n इज इक्वल टू आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए इसी फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ठीक है। जहां पे m की वैल्यू क्या है 3 और n की वैल्यू क्या है 2, ये इसी फॉर्म में है। तो ये आपकी जो भिन्न है ये किस तरह की होगी, ये आपकी जो भिन्न है ये आपकी शांत भिन्न होगी, ठीक है। कैसी भिन्न होगी, शांत, समझ में आया सबको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे बेटा देखिए क्या इस फॉर्म में दिया है, 2 की पावर तो है, m है 2 की पावर है, 5 की पावर है, बट 7 की पावर भी 5 दी हुई है। जब 7 की पावर 5 दी है तो ये 2 और 5 की पावर में नहीं है, 7 के साथ में, ठीक है। साथ में से क्या दिया हुआ, 7 भी दिया हुआ, तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये आपका अशांत भिन्न होगा, ठीक है। अशांत का मीन्स जब हम इसे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो आपका जीरो का मतलब डिवाइडर कुछ ना कुछ बचता ही रहेगा, शेष पर कुछ ना कुछ बचेगा, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, समझ में आया ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 6/15, ठीक है बेटा। 15 की हम फैक्टर करेंगे तो आपका हो जाएगा 6/, या फिर इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, डिवाइड के लिए 3 से जब 2 आएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 2/ ये 5 दिया हुआ है। सबको समझ में आ रहा है, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 × 2 = 6 3/15, यानी आपका 2/5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है 5, 2 इसमें नहीं है, तो मैंने बताया था अगर सिर्फ 5 या सिर्फ 2 हो तो वहां पे हम जो नंबर नहीं होता है उसकी पावर 0 करके उसको दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2/2 × 5/1, क्योंकि इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 2/m और 5/n इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको लिख सकते हैं 2/0 × 5/1, 5 की पावर तो ऑलरेडी इसके पास, ठीक है। 2/0, 0 का मतलब यहाँ पे बेटा देखिए जब किसी की पावर हम 0 करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है 0 कभी नहीं आती, हमेशा 1 आती है। अब ये भी सोच सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 क्यों नहीं आ सकती, इसकी वैल्यू 0 इसलिए नहीं आती है क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है 3/2 / 3/2, अगर ये दिया हुआ है, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया, ठीक है, तो आपको पता है कि भाग में क्या होता है पावर घट जाती है, भाग में दिया है तो आपको पता है 3/2 − 2 हो जाएगा, हो जाए कि नहीं हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3/0 ये लिख सकते हैं। तो यहां से इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब कैसे 1 आएगी ये भी समझिए, इसको ये आपको लिखा हुआ है 9/9, तो 9 × 9 = 9, इसको हम क्या करते हैं 1 ही तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, 0 तो नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम इसको 1 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम 2 की पावर 0 करेंगे किसी भी नंबर हो, नंबर आपको कितना भी बड़ा हो और उसकी होल पावर 0
जीरो है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज वन होगी, क्लियर। और ये इस वजह से होगा जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, ठीक है। तो देखिए बेटा इसको आगे, ठीक है। तो ये आपका कैसे है, शांत भी है, यानी कि डिवाइड थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 35/50। अब यहाँ पर हम 50 क्या करेंगे, फैक्टर, या फिर इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 5 7 35, 5 10 50, यानी हो गया 7/10। 7/10 हुआ। अब हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, क्योंकि 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 × 10 होता है ना, 2 × 5 = 10 होता है, तो 2 × 5 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7/2 × 5। अब देखिए बेटा ये 2 × 5 के फॉर्म में दोनों की पावर आपकी 1 है, तो ये भी आपकी जो होगी कैसे बिंदु होगी, शांत बिंदु। समझ में आया सबको, ये आपकी शांत बिंदु होगी, ठीक है। इससे लास्ट क्वेश्चन है आपका 77/2 × 10, ठीक है। इसको देखिए मेरा समझाते हैं, 77/2 × 10। क्या है 77/2 × 10, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, 2 × 10 में देखिए फैक्टर करना है, ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × 2 = 0, 5। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 × 3 = 5 एंड 5 से डिवाइड हो रहा है 7 एंड 7 से डिवाइड हो रहा है 5, ठीक है। तो इसके फैक्टर आ रहे हैं 77/2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। अभी देखिए हम सॉल्व सिंपलेस्ट फॉर्म में करना के लिए 7 7 7 ही है, तो आपके ये हो जाएगा 11/2 × 3 × 5। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए बेटा जो आपका डिनोमेटर में देखिए 2 है, 5 है, बट साथ में क्या है, 3 भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ में 3 भी दिया हुआ है, तो इसलिए जो ये आपका फ्रैक्शन है पूरा, ये आपका शांत होगा, क्योंकि 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता ही रहेगा, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका फिर आसान भी होगा। तो सबको समझ में आया बेटा, शांत और आसान किस तरह निकालते हैं, विदाउट डिवाइडिंग मेथड, हम डिवाइड ना करके किस तरह से हम निकालते हैं। मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद 2 और 5 की पावर में कुछ भी नंबर आता है उसको हम 2 और 5 की पावर में चेंज कर सकते हैं, वो आपका जो होगा शांत बिंदु होगा, ठीक है। अगर उसके साथ कोई दूसरा नंबर आता है तो आपका शांत बिंदु होगा, क्लियर। जैसे यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, 2 और 5 दिया हुआ है, सिर्फ 2 और 5 आपके यहाँ पे, तो ये आपका शांत बिंदु होगा। बट यहाँ पे 2 5 के साथ में क्या दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है, जब साथ में 7 भी दिया है तो ये आपका शांत बिंदु होगा। समझ में आया सबको, ये आपका कैसा होगा, अशांत बिंदु होगा, क्योंकि 7 भी दिया हुआ है साथ में, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे फैक्टर रखेंगे, देखिए डिवाइड हो रहा है तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, जिससे आप आसानी से कर लेंगे, क्लियर ना सबको। तो बेटा इसके क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं, यही क्वेश्चंस करने हैं, एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। बहुत ध्यान से करना, अच्छे से करना है, ठीक है। कुछ बच्चे रफली वर्क करते हैं, रफली कोई नहीं करेगा फेयर में। और हाँ, जो मैं रिवीजन करा रही हूँ, आप लोग इसकी कॉपी मुझे दिखाइए बेटा, कि आप लोग जो रिवीजन कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, या जिनका वर्क नहीं कम्प्लीट है वो लोग भी बच्चे अपनी कॉपी दिखाएंगे मुझे, ठीक है। स्पेशली 10C के बच्चे, सी सेक्शन के जो बच्चे हैं वो अपनी मैथ्स की पेयर कॉपी मुझे दिखाएंगे, या स्कूल आके मुझे दिखा सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं, ठीक है क्लास। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।